पिज़्ज़ा हम सभी का फेवरेट पिज़्ज़ा, इसको मैं आज में बनाऊंगी तवे पे। पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने पहले भी एक बनाई थी, लेकिन उसको बनाया था अवन में। यहाँ पे मैं ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगी और बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी। शुरू से एंड तक वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। आपको ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। आप एक दो बार बनाओगे तो ये परफेक्ट रेसिपी आपसे बनने लगेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। वन फोर्थ कप हम यहाँ पे कर्ड डालेंगे, एक चम्मच शुगर और एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच नमक डालेंगे और दो चम्मच डालेंगे तेल। दो कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं मैदा। यहाँ पे मैंने एक कप डालते हुए दिखाया है, लेकिन आपको दो कप डालने हैं। वन फोर्थ टीस्पून डाल रहे हैं बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिला लेंगे। हमको सॉफ्ट डो बनाना है तो अच्छे से इसको गूंथना है। थिन क्रस्ट के लिए हमको लेना है पिज़्ज़ा के लिए एक कप मैदा, और अगर हमें पिज़्ज़ा का बेस मोटा बनाना है तो हम लेंगे दो कप मैदा। आधा चम्मच डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। यहाँ पे डो तैयार हो चुका है, इसको 30 मिनट्स के लिए कवर करके हटा देंगे। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा के लिए सॉस। दो चम्मच यहाँ पे डालेंगे टमाटो केचप, एक चम्मच डालेंगे कस्टर्ड पेपर, एक चम्मच डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, आप चाहें तो इसको आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो डो रखा था इसको फिर से हम एक बार गूंथ लेंगे। इसको हम एक बॉल साइज बना देंगे और फ्लैट कर देंगे इस तरह से। अभी पिज़्ज़ा वेस्ट डो को हम सूखे मैदे में डस्ट करेंगे और इसको रोल करेंगे। जब हम इसको रोल करेंगे तो हमें ध्यान रखना है इसको पतला या मोटा नहीं करना है, किसी भी साइड से इक्वली हमें इसको रोल करना है, चारों साइड्स बराबर होना चाहिए। और इसको हमें बहुत पतला नहीं करना है, साइड्स इसके स्पेशली बिल्कुल भी पतले नहीं करने हैं। यहाँ पे मैंने इसको रोल कर लिया है। अभी एक पैन लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल से, पे तवा भी ले सकते हो। पिज़्ज़ा बेस पे थोड़ा हम फोक लगा देंगे ताकि फूले ना रोटी की तरह। अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे फोक तो यहाँ पे ये रोटी की तरह फूल जाएगा। अभी हम इसको तवे पे रख देंगे, पैन में रख रही हूँ मैं, साइड्स इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने बनाई थी। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चीज। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेल पेपर्स। मैं यहाँ पे ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में अनियन का इस्तेमाल करूँगी। तो इनमें से अगर कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हो। हम येलो कलर का बेल पेपर डाल रहे हैं और इसके बाद हम डालेंगे अनियन।
और इसे रेड बेल पेपर डालूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा शेडेड मोजरेला चीज, थोड़ा सा ऑलिव्स, राइट साइड्स में हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा देंगे। अब हम इसको गैस पे रखेंगे और लिड को कवर करेंगे। आठ मिनट्स के लिए हमें इसको कम आंच पे पकने देना है। इस जब अच्छे से मेल्ट हो जाए आपकी, तो आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं फोक से लगा के, अगर फोक क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब आपका पिज्जा हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पे गर्मा गर्म पिज्ज़ा बनके तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।